Hello children, in this video you will get to know what is intellectual property right. Intellectual property rights क्या होते हैं ओके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है वो प्रॉपर्टी जो आपने अपने माइंड को यूज करके क्रिएट की है जो आपने अपने इंटेलेक्ट को यूज करके क्रिएट की है ओके तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स गिवन टू द पर्संस ओवर द क्रिएशंस ऑफ देयर माइंड्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो राइट्स हैं जो एक पर्सन को दिए गए हैं किसके लिए जो भी उसने क्रिएशन किया है जो भी उसने क्रिएट किया है अपने माइंड को यूज करके फाइन तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो राइट्स हैं जो लोगों को उन लोगों को दिए गए हैं जिन्होंने कुछ क्रिएशंस किए हैं अपने इंटेलेक्ट को यूज करके अपने माइंड को यूज करके सच एज इन्वेंशंस कोई इन्वेंशंस की है लिटरेरी वर्क है लिटरेरी मींस टेक्सचुअल वर्क ओके विद और विदाउट इलस्ट्रेशंस राइट आर्टिस्टिक वर्क है डिजाइंस है कुछ सिंबल्स नेम और वट एवर इमेजेस कुछ भी ऐसा काम है जो आपने क्या किया है यूजर ने या क्या किया है एक पर्सन ने नॉट यूजर एक पर्सन ने अपने माइंड से क्रिएट किया है राइट अपने इंटेलेक्ट को यूज करके किया है राइट दे यूजली गिव द क्रिएटर एन एक्सक्लूसिव राइट ओवर द यूज ऑफ हिज हर क्रिएशन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तो जो भी एक पर्टिकुलर पर्सन ने क्या किया है अपने इंटेलेक्ट को यूज करके अपना एक वर्क क्रिएट किया है एक आर्ट क्रिएट किया है वट एवर जो भी आप कुछ क्रिएट किया है उस पर क्या होता है उसका एक एक्सक्लूसिव राइट होता है उस काम पर ओके ठीक है तो वो क्या है वो वर्क उसका है ऐसा नहीं है कि एक पर्सन ने किया और दूसरे ने उसको अपना कह दिया कि ये वर्क मेरा है नो ओके तो उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट राइट आईपी इज प्रोटेक्टेड इन लॉ अब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है किसी भी पर्सन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको लॉ प्रोटेक्ट करता है कैसे बाय यूजिंग द पेटेंट कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क्स ओके अब हम इसको पेटेंट कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं वन बाय वन इसको समझेंगे राइट ओके विच इनेबल पीपल टू अर्न रिकॉग्निशन और फाइनेंशियल बेनिफिट्स फ्रॉम व्हाट दे इन्वेंट और क्रिएट ओके जिससे क्या है इसकी हेल्प से जिन लोगों ने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट की है वो उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से नाम कमा सके रिकॉग्निशन मतलब उनको पहचाना जाए ओके और इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जिन वो एक बेनिफिशियल बेनिफिट अर्न कर सके राइट उनको एक फाइनेंशियल बेनिफिट हो सके राइट उसके लिए क्या है उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ लॉज हैं ओके इट एम्स टू फोस्टर एन एनवायरनमेंट इन विच क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन कैन फ्लोरिश ओके अगर किसी ने कोई इन्वेंशन की है ओके और उस इन्वेंशन से उसे रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है उसको मनी मिल रही है तो क्या होगा दैट पर्सन विल बी मोर मोटिवेटेड उस वो पर्सन और मोटिवेट होगा और इन्वेंशन करने के लिए राइट अगर लेकिन अगर उसकी इन्वेंशन स्टील हो जाती है वो चोरी हो जाती है और दूसरे लोग उसका यूज करते हैं ओके बाय गिविंग देयर ओन नेम अपना अपने नाम करके तो क्या होगा वो पर्सन डीमोटिवेट होगा तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का क्या रोल है एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिससे लोग क्या करें और क्रिएटिविटी अपनी यूज करें और इनोवेशन यूज करें ओके और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पे लोग सेफली फील करें कि वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं राइट ओके तो अब हम ये टर्म वन बाय वन देखेंगे कि क्या है पेटेंट क्या है कॉपीराइट क्या है ट्रेडमार्क क्या है जिसकी हेल्प से क्या होता है हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं फाइन नाउ वी हैव कॉपीराइट कॉपीराइट क्या है कॉपीराइट रेफर्स टू द लीगल राइट ऑफ द ओनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये एक राइट है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ओनर को दिया जाता है एक लीगल राइट है ओके इसका क्या मीनिंग है इन सिंपलर टर्म कॉपीराइट इज द राइट टू कॉपी दिस मींस दैट द ओरिजिनल क्रिएटर्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एनीवन दे गिव ऑथराइजेशन टू आर द ओनली वन विद द एक्सक्लूसिव राइट टू रिप्रोड्यूस द वर्क कॉपीराइट क्या है कॉपीराइट है कि जो एक ओरिजिनल प्रोडक्ट है जो एक ओरिजिनल क्रिएशन है उसको कॉपी करने का राइट ओके उसको कॉपी करने का राइट सिर्फ किसके पास है जिसने उसको क्रिएट किया है
फाइन, कॉपीराइट लीगल ओनर को दिया जाता है जिसकी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कि वो ही उसकी कॉपीज बना सकता है जिसने उसको क्रिएट किया है, या सिर्फ वो पर्सन उसकी कॉपीज बना सकता है जिसको रियल ओनर ने ऑथोराइजेशन दिया है कि ये पर्सन इसकी कॉपीज, मेरे वर्क की कॉपीज बना सकता है, राइट, रीयूज कर सकता है, मेरे वर्क को रीयूज कर सकता है, फाइन. तो दिस इज द कॉपीराइट. वर्क्स कवर्ड बाय कॉपीराइट रेंज फ्रॉम बुक्स, म्यूजिक. तो कॉपीराइट में क्या क्या आता है? बुक्स आती हैं, ओके. बुक्स पे कॉपीराइट होता है कि ओरिजिनल बुक्स जिस जो उसका क्रिएटर है वही उसको रीयूज कर सकता है, कोई दूसरा पर्सन उसको रीयूज नहीं कर सकता है. म्यूजिक का कॉपीराइट, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, फिल्म्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, डेटाबेसेस, एडवर्टाइजमेंट्स, मैप्स, टेक्निकल ड्राइंग्स. तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, क्रिएटिव वर्क्स है जिनपे क्या मिलता है, जो ऑनर होता है उसको कॉपीराइट मिलता है, कि ओनली द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन रीयूज इट, कैन कॉपी इट, नो अदर पर्सन, फाइन. या फिर अगर ओनर किसी और को ऑथोराइजेशन देता है तो वो पर्सन उसको कॉपी कर सकता है, उसको रीयूज कर सकता है, दूसरा कोई भी उसको रीयूज नहीं कर सकता. सो दिस इज द कॉपीराइट, दिस इज द कॉपीराइट लॉ, राइट. ओके, नेक्स्ट वी हैव द पेटेंट. नाउ पेटेंट क्या है? अ पेटेंट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट फॉर अ टेक्निकल इन्वेंशन, राइट. पेटेंट दिया जाता है टेक्निकल इन्वेंशन के लिए. इट अलाउज यू टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग योर इन्वेंशन फॉर कमर्शियल पर्पस फॉर अप टू 20 ईयर्स. और ये किस लिए दिया जा रहा है? कि जो आपकी इन्वेंशन है उसको कोई भी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता 20 ईयर्स तक, राइट. जो आपने इन्वेंशन की है, जो आपकी टेक्निकल इन्वेंशन है, ओके, वो कोई और यूज नहीं कर सकता एटलीस्ट फॉर 20 ईयर्स, फाइन. यू डिसाइड हु इज अलाउड टू प्रोड्यूस, सेल और इम्पोर्ट योर इन्वेंशन टू अदर कंट्रीज. आप डिसाइड कर सकते हो, जो रियल ऑनर है वो डिसाइड कर सकता है कि कौन इसको प्रोड्यूस कर सकता है या सेल कर सकता है, उसको मतलब बेच सकता है या उसको इम्पोर्ट कर सकता है, ओके, इन दोज कंट्रीज इन विच यू यू ओन अ वैलिड पेटेंट, ओके. जहाँ पे आपको पेटेंट दिया गया है वहां पे आप ये वर्क कर सकते हो, फाइन. तो पेटेंट इज अ राइट which is provided to protect your intellectual property, your technical inventions, right? Then we have the trademark. Okay, trademark क्या है? The term trademark refers to a recognizable design, phrase, work or symbol that denotes a specific product and legally differentiate it from all other products of its kind. Trademark क्या होता है? एक symbol होता है, ओके, या एक कुछ भी, एक डिजाइन हो गई, वर्ड हो गया, फ्रेज हो गया, सिंबल हो गया, जो क्या होता है, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करता है, एक कंपनी के प्रोडक्ट को दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करता है, फाइन. अ ट्रेडमार्क एक्सक्लूसिवली आइडेंटिफाइज अ प्रोडक्ट एज बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक कंपनी. तो एक पर्टिकुलर कंपनी का ट्रेडमार्क उसको डिफरेंशिएट करता है दूसरी कंपनी के सेम प्रोडक्ट से. जैसे मिल्क है, मिल्क में भी बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, फाइन. तो एक जैसे अमूल का मिल्क है, फिर मदर डेयरी है, तो सबके ट्रेडमार्क्स अलग होते हैं. जो क्या होता है, उस मिल्क को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करता है कि ये अमूल का मिल्क है, ये मदर डेयरी का मिल्क है, ओके. तो यहाँ पे ट्रेडमार्क क्या इज यूज फॉर डिफरेंशिएशन, राइट, एंड रिकॉग्नाइज द कंपनीज ओनरशिप ऑफ द ब्रांड. और ट्रेडमार्क की हेल्प से हम पता करते हैं कि ये किस ब्रांड का प्रोडक्ट है, राइट. जैसे मैंने अभी आपको मिल्क एग्जाम्पल दिया था, ये अमूल का मिल्क है, या मदर्स डेयरी का, मदर डेयरी का मिल्क है, ओके. तो लाइक दिस, ओके. तो दीज आर द डिफरेंट लॉज विच आर प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ओके. इनको बोला जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स. तो ये क्या है? आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, फाइन. ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सोसाइटल इम्पैक्ट. टिल देन कीप स्टडिंग, बी सेफ एंड बाय बाय.